वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द द्रोणर्स। तो ठीक है, आज हम लोग फिर से आ गए हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सेट टू। ठीक है, तो इससे पहले मेरा एक सेशन हो चुका है और उस दिन मैंने आप लोगों को नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस कराए थे। तो आज हम लोग उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या है हम लोगों के सेशन में और क्या क्या क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा डाटा या फिर जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सभी को हम लोग करते चलेंगे। और अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के पेड बैचेस या फिर कोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज पहले सवाल की ओर। क्या बोल रहे हैं? मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजिबिलिटी फॉर ह्यूमन आई। ठीक है, तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस जो आपका बनता है वो है आपका 25 सेंटीमीटर। अभी देखिए मिनिमम डिस्टेंस या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो डिफिशियंसी है इसके ऊपर में आपका आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जैसे हमारे आंखों में दो तरह का डिजीज दिखाई पड़ता है, क्या क्या? फर्स्ट वन इज मायोपिया और दूसरा है आपका हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, मायोपिया में क्या होता है, आपका नजदीक का चीज दिखता है, आपका दूर का चीज जो है वो नहीं देखता है, तो इसे हम लोग कहते हैं मायोपिया। ठीक है, और ये कैसे दूर होता है, ये होता है आपका कॉनकेव लेंस से दूर होता है। और जो हाइपरमेट्रोपिया है ये आपका कौन सा है, ये है आपका जिसमें आप दूर का चीजों को क्लियर देख सकते हैं पर जो नजदीक का चीज है वो आपको धुंधला दिखाई देता है, तो ये होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया और ये दूर होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, अच्छा अभी चलते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी और ऑब्जर्व द सन। ठीक है, तो यहां पे आपका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, आपका होगा हेलियोस्कोप। ठीक है, तो स्ट्रोबोस्कोप क्या है देखते हैं। स्ट्रोबोस्कोप टू मेजर द स्पीड ऑफ अ रोटेटरी बॉडी यूज ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं टेलीस्कोप। तो देखिए टेलीस्कोप, तो अगर पूछा जाए कि टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट किन्होंने पहले सबसे पहले कहा था, तो वो होगा आपका जो फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हेंस लिप्रेसी। ठीक है, हेंस लिप्रेसी। लेकिन अगर ये ऑप्शन में रहता है आपका तो ये आपको टिक करना है, अगर आपका ऑप्शन में नहीं रहता है तो फिर एकदम आंख बंद करके गैलीलियो, राइट? ओके। और एक चीज जो यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं, जैसे सन की लाइट में या फिर जो सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी को यूज करके बहुत सारे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हेलियोथेरापी, राइट? ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैचस्टिक्स। तो मैचस्टिक्स में आपका क्या रहता है, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है,
तो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा आपका फास्फोरस, कौन सा? रेड, रेड फास्फोरस, ठीक है। अभी देखिए फास्फोरस आपको तीन कलर में मिलते हैं, ठीक है, व्हाइट और ग्रे, उसके बाद रेड, एंड उसके बाद आपका हो गया ब्लैक। लेकिन इसमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? तो इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आपका व्हाइट फास्फोरस, देन आपका रेड फास्फोरस, और उसके बाद आपका ब्लैक, ठीक है, ओके। तो अभी देखिए, अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। 43, द रुपीज 5 एंड रुपीज 10 कॉइन इज मेड ऑफ व्हिच मेटल? तो 5 रुपए और 10 रुपए वाला जो कॉइन है वो आपका कौन सी मेटल से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो आंसर बनेगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, कॉपर एंड स्टील। और एक चीज, यहाँ पे जो फोरेटिक स्टेनलेस स्टील है ये कहाँ पे यूज होता है? यूज्ड इन एग्जॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए यहां से और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहां पे क्या मिल सकता है। देखिए कॉइन कहां पे बनता है, चार जगह में, कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, एम के एच एन। अभी आप जो एम के एच एन है इसका आप कुछ भी एक शॉर्टकट बना के आप याद रख सकते हैं। सो एम फॉर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड आपका नोएडा, दिल्ली साइड, ओके, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं हम लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ। द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये कौन सा होगा आपका? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है आर्यभट्टा, भास्कर वन, एप्पल एंड चंद्रयान वन। तो यहां पे देखिए ज्यादातर गलती यहां पे होता है, क्योंकि फर्स्ट जो सैटेलाइट या फिर फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये, अच्छा, और एक चीज यहां पे जो ऑप्शन है होगा ये होगा आपका यहां पे कम्युनिकेशन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर बनेगा एप्पल, आर्यभट्टा नहीं, ठीक है। ये था इंडिया का, आर्यभट्टा था इंडिया का फर्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का पहला था। और ये छोड़ा गया था कब? 19 अप्रैल 1975, ओके। अभी देखिए एप्पल कई बार हो सकता है कि आपका आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो इसका फुल फॉर्म होगा एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 19 जून 1921, ठीक है। तो ये आपका पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन्कोलॉजी टर्म इज रिलेटेड टू। अभी ऑन्कोलॉजी किससे रिलेटेड है तो देख लेते हैं। तो ऑन्कोलॉजी जो टर्म है वो है रिलेटेड कैंसर से, ठीक है। और जो रेनल फेलियर है यानी कि किडनी, इससे रिलेटेड होना चाहिए आपका या फिर है नेफ्रोलॉजी, ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा, अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है देखते हैं। फॉर द प्रेजेंस ऑफ व्हिच गैस वी कैन नोटिस दैट एलपीजी इज लीकिंग, ठीक है। तो
अभी देखिए एलपीजी इज लीकिंग, तो एलपीजी में क्या होता है, एक तो रहता है आपका प्रोपेन ब्यूटेन, ये होता है आपका जो मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अभी प्रोपेन ब्यूटेन के साथ साथ आपको यहाँ पे आइदर मिलेगा सल्फर मर्कप्टेन, जो कि आपका आंसर है यहाँ पे, और कभी ये आंसर, ये जो ऑप्शन है ये नहीं होके आपका हो सकता है मिथाइल मर्कप्टेन, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ठीक है, तो प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो हम लोग सिंपली देखते हैं क्या से मेजर किया जाता है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रेशर इक्वल टू व्हाट, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो प्रेशर किस में आएगा, फोर्स और एरिया से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वही होगा, मास एंड डेंसिटी नहीं होगा, वर्क एंड डन, वर्क डन नहीं होगा, फोर्स एंड डिस्टेंस नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा बन रहा है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर ये बन गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अभी देखिए। द प्रोसेस बाय व्हिच हाइड्रोजन इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, अभी देखिए ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है आपका 30 मार्च 2016 सीबीटी 1 शिफ्ट 2। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोसेस बाय व्हिच हाइड्रोजन इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, आपका आंसर होगा ये। अभी देखिए हाइड्रोजन मतलब क्या, हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन सॉरी वाटर, फ्रॉम वाटर, तो वाटर, अभी वाटर को देखिए हम लोगों को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसको हम लोगों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अभी देखिए जो बाकी का प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, फॉर एग्जांपल देखिए आपका ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, इन विच मॉलिक्यूल्स पास थ्रू अ सेमी मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है आपका ऑस्मोसिस। तो कहां से, लेस टू हायर, ठीक है, मॉलिक्यूल पासेस थ्रू सेमी मेम्ब्रेन, किस तरफ जाते हैं, लेस से मोर की तरफ, यानी कि डेंसिटी लेस से मोर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ओजोनाइजेशन क्या है, एक्चुअली ओजोनाइजेशन इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस और टेक्निक बेस्ड ऑन द इन्फ्यूजन ऑफ ओजोन इन वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या, इन्फ्यूजन ऑफ ओजोन इन वाटर, ठीक है। अच्छा अभी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नथिंग एल्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यही हो गया आपका ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस, ठीक है। अच्छा अभी देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइटोलॉजी इज रिलेटेड विथ, ओके सो फाइटोलॉजी इज रिलेटेड विथ कौन सा होगा, प्लांट्स, ठीक है। अच्छा अभी देखिए यहाँ से क्या क्या निकल सकता है, देखिए क्वेश्चन या फिर एक्स्ट्रा इन्फो जो भी आप कहें, देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान का जो जनक किन्हें कहा जाता है, एरिस्टोटल, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ बोटैनी, ठीक है, जो कि उद्भिद विज्ञान से रिलेटेड है, तो ये कौन होगा, ये होगा आपका थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अच्छा अभी अगर पूछा जाए कि बोटानी के अंदर बिगेस्ट ग्रुप कौन सा है, ठीक है, यानी कि बिगेस्ट ग्रुप इन
बोटैनी, वो हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले बार का अगर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि जो शिफ्ट्स हुए हैं उनमें से क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड थे, यानी कि अगर कोई शिफ्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है तो सेम टू सेम क्वेश्चन ना भी हो तो उस क्वेश्चन से या फिर उस आंसर से रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हेडफोन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1910। ओके, हेडफोन का मतलब ऑडियो हेडफोन, ठीक है। सो ऑडियो हेडफोन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1910, हु मेड इट। तो हेडफोन को किन्होंने पहला बार या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेथेनियल बेल्डविन, ठीक है, नेथेनियल बेल्डविन। तो इसके साथ साथ जो सर हम्फ्रे डेवी है, माइकल फैराडे है एंड जॉन कॉस है, इन लोगों के बारे में भी जानते चलते हैं। तो हम्फ्रे डेवी ने क्या बनाया था, जो माइंस में जो सेफ्टी लैंप होते हैं, सेफ्टी लैंप, तो ये इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद जो माइकल फैराडे हैं उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कुक फूड्स। अच्छा, अभी हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा जो है खाना पकाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर सभी को पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें कि ज़्यादातर आपका क्या रहेगा, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है। और लीकेज का पता लगाने के लिए सल्फर मरकप्टेन और आपका मिथाइल मरकप्टेन, ठीक है। ओके, अभी देखिए यहां से अगर आपका और एक क्वेश्चन आ सकता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये कहां पे यूज होता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ डीजल, गैसलीन, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है आपका 95% या फिर उससे ज्यादा मीथेन, ठीक है, 95% या फिर उससे ज्यादा मीथेन, और जो 5% उसमें जो अदर गैसेस हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं। केमोथेरेपी, तो नाम आप लोगों ने बहुत जगह में सुना होगा इसका। तो केमोथेरेपी इज यूज्ड इन व्हिच डिजीज, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि हार्ट डिजीज, तो हार्ट डिजीज का जो स्टडी है, ठीक है, हार्ट डिजीज का जो स्टडी है या फिर जो डिसिप्लिन है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है। जो किडनी डिजीज है इसके स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी को या फिर डिसिप्लिन को, दैट इज नेफ्रोलॉजी, ओके। एंड कैंसर, इसके स्टडी को क्या कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं, ऑन्कोलॉजी, राइट, ओके। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या एक्चुअली क्या है, यह है आपका चार्ज, ठीक है, यह है आपका चार्ज। जितना चार्ज आपका यूनिट टाइम में फ्लो होगा
जितना चार्ज आपका यूनिट टाइम में फ्लो होगा यही होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अच्छा तो अभी देखिए कौन सा इसका गुड कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे ग्लास, पेपर, प्योर वाटर, कॉपर, ऑब्वियसली इसका आंसर कॉपर बनेगा। अभी देखिए कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखिए कुछ कुछ चीज़ें जैसे कंडक्टर, कंडक्टर को हम लोग अगर डिवाइड करें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तो होता है आपका वेरी पुअर कंडक्टर, एकदम ही पुअर, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर, जैसे कि आपका हो गया ग्लास, ठीक है। दूसरा होता है आपका गुड कंडक्टर, दैट इज कॉपर, और एक होता है आपका सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, राइट। ओके तो अभी चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक करेंसी नोट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के जो नोट्स बनते हैं करेंसी नोट्स, तो वो किस चीज से बनते हैं। तो आपका ऑप्शन है ट्री पल्प, कॉटन एंड कॉटन रैग्स, रिसाइकल्ड पेपर, अ मिक्सचर ऑफ रिसाइकल्ड पेपर एंड यार्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर एकदम क्लियरली बनेगा, वो है आपका कॉटन एंड कॉटन रैग्स, ठीक है। तो आपका जो नोट्स कहाँ कहाँ बनते हैं, तो पहला तो आपका नोट्स बनता है एक सालबनी, दूसरा है आपका डेवस, तीसरा है आपका नोएडा, ठीक है। ओके अभी और कॉइन के बारे में तो मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया, ठीक है। तो एक ही क्लास में है, एक ही सेशन के अंडर में है, तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाट इज पीएम स्टैंड्स फॉर इन द केस ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो पीएम है, ये पीएम का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इस पीएम का फुल फॉर्म होगा आपका पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर कौन से हैं, हार्मफुल मैटर्स प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। अच्छा और ये सॉलिड में भी रह सकते हैं और आपका लिक्विड फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट इसका मतलब देखिए, ब्लीचिंग एजेंट पहले इसका मीनिंग जानते हैं, ब्लीचिंग इसका अगर हम लोग सिंपली मीनिंग अगर जाने तो वो होगा टू रिमूव और टू क्लीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है जो एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है, यानी कि सफाई करने में या फिर कुछ हटाने में या फिर क्लीन करने में काम होता है। तो देखिए आपका जो आंसर है, एक है लेमन, कैप्सिकम, पोटैटो एंड टोमेटो। तो देखिए कहीं ना कहीं पे आपका ये जो लेमन, पोटैटो, टोमेटो ये सभी जगह में यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कपड़ों में दाग हटाने के लिए कभी कभी लेमन यूज़ करते हैं, शीशा साफ करने के लिए पोटैटो यूज़ करते हैं, और कभी कभी टोमेटोज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो यूज़ नहीं किया जाता वो है आपका कैप्सिकम, देयरफॉर योर आंसर इज कैप्सिकम। अभी देखिए 57th में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, अबव हाउ मच डेसिबल साउंड कैन कॉज पेन टू ईयर्स और कैन बी हार्मफुल, मतलब कितने डेसिबल के ऊपर या फिर कितने मात्रा के ऊपर जो साउंड है वो आपके कानों को
खतरा पहुंचा सकते हैं या फिर आपके कानों को तकलीफ दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका 130 डेसिबल। तो इसके साथ साथ हम लोग कुछ और जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करते चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की, ठीक है, तो इसका जो साउंड रेंज होता है या फिर जो फ्रीक्वेंसी रहता है तो ये कितना रहता है, ये रहता है आपका 60 डेसिबल, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए नॉइज लेवल इन सिटी, देखिए पिछले साल एनटीपीसी में मतलब अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे गए थे, स्मार्ट सिटी से क्वेश्चन आ सकता है, नॉइज, पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेस, सभी से क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलता है सबको हमको गैदर करके चलना है, ठीक है। तो नॉइज लेवल इन द सिटी ये कितना रहता है आपका, ये रहता है आपका 45 dB to 55 decibel, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग कहे कि कानों के लिए खतरनाक, ठीक है, मतलब हार्मफुल बट हमारे कान झेल जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका कितना, 85 डेसिबल पे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कहे कॉज ऑफ डैमेज और पेन, तो यहाँ पे क्लियरली आपका आंसर बनेगा 130 डेसिबल, ठीक है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछा गया है, रीजन बिहाइंड द अर्थक्वेक, ठीक है, रीजन बिहाइंड द अर्थक्वेक। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका ग्लोबल वार्मिंग, तो ये तो किसी भी हालत से नहीं लग रहा है कि ये होना चाहिए। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नहीं। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो नहीं हो सकता। या फिर मोशन इन द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ अर्थ, हाँ, तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो अभी देखिए क्या कहते हैं, इसके साथ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी, ठीक है। अच्छा, सिस्मोलॉजी के दौरान जो हमें ग्राफ मिलता है या फिर जिसमें जो अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी मिलता है उस ग्राफ को हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। और जिस स्केल से इसका तीव्रता को मापा जाता है वो होता है आपका रिक्टर स्केल, ठीक है, ओके। अभी देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज GSAT-16, तो GSAT-16 क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये है वेदर सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिकनेक्शनाइज सैटेलाइट, और एक है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इसके बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है, ये जो हमारी सतह है या फिर जो समुद्री तल है वहाँ से कितने ऊंचाई में रहता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है, ठीक है। अभी देखिए जी सैट, आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा जी सैट, तो जी सैट का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ये क्या होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। तो यह है आपका जी सैट का फुल फॉर्म। अगर बात करें, आपने यह भी सुना होगा इनसैट, तो यह क्या होगा, इंडियन नेशनल
सैटेलाइट। ओके, उसके बाद GSLV, ठीक है, इसका मतलब होगा जियोस्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। उसके बाद PSLV, देखिए इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ज़रूरी भी है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको जितना हो सके लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग, आपके साथ साथ आपके दोस्त लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या, PSLV का फुल फॉर्म क्या होगा? PSLV का फुल फॉर्म होगा पोलर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। आई होप इंफॉर्मेशन आप लोगों को पूरा मिल रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इन अ सर्टेन वे सोलर इज रिलेटेड टू सन। अगर सोलर इज रिलेटेड टू सन है देन लूनर इज रिलेटेड टू, ऑब्वियसली क्या होगा, मून होगा, ठीक है। यहाँ पे लुनाटिक मत कर दीजिएगा। लुनाटिक का मतलब क्या होता है? लुनाटिक का मतलब होता है मेंटली इल पर्सन, ठीक है ना। ओके, तो अभी चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर इज मेजर्ड बाई, अच्छा तो एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर किससे मेजर्ड होता है? तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में है क्या एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर। तो ये एक डिस्टेंस है विच इज मेजर्ड बाय लाइट ईयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अभी देखिए लाइट ईयर के बारे में कुछ जानते चलते हैं। तो लाइट ईयर का मतलब हो गया आपका 9.46 into 10 to the power 15 meter, ठीक है, एंड 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर। सो आप यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ज़्यादातर ये पावर देख के गड़बड़ हो जाता है। सो पहले आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है वो कौन सा यूनिट है, मीटर में है कि किलोमीटर में है, उसके हिसाब से पावर को हम लोग यूज करेंगे आंसर में। अभी 62, द एडजस्टमेंट डन बाय आवर आईज टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फार डिस्टेंस एंड क्लोज डिस्टेंस, मायोपिया एकोमोडेशन प्रेसिबोपिया करेक्शन। तो देखिए क्या कह रहा है, सोचिए आप किसी चीज को अभी नजदीक में देख रहे हैं, फटाक से आप दूर में देख रहे हैं, तो आपका जो आंख बराबर जो नजदीक का चीज है और जो दूर का चीज है दोनों को फोकस कर रहा है। तो ये जो घटना है या फिर ये जो फिनोमेना या फिर प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या, एकोमोडेशन। तो पहले भी बता चुका हूं, फिर से मायोपिया के बारे में बताते चलते हैं। तो देखिए शिफ्ट जितना चेंज हो रहा है ना आपका क्वेश्चन उतना कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मायोपिया, मायोपिया के बारे में हम लोग बोलते हैं, मायोपिया में जिसमें है हम लोग जो क्लोज ऑब्जेक्ट है क्लियर रहेगा एंड फार ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ब्लरी हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिक्स कैसे कहते हैं, इसको फिक्स करते हैं हम लोग कैसे, इसको फिक्स करते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस की मदद से, राइट। ओके, अच्छा अभी देखते हैं हम लोग जो प्रेसिबोपिया, प्रेसिबोपिया क्या है, प्रेसिबोपिया है जो एकोमोडेशन का, जो एकोमोडेशन में जब प्रॉब्लम आ जाता है ना, जब एकोमोडेशन ठीक से आंख नहीं कर सकता है तो उसी डिजीज को कहते हैं हम लोग प्रेसिबोपिया, ठीक है। जब एकोमोडेशन, जब हम लोगों का आई करेक्टली जो फोकस नहीं कर पाता नजदीक का चीज या फिर दूर के चीजों में करेक्टली, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिबोपिया, ठीक है। अभी देखते हैं जो
मायोपिया का उल्टा और एक डिजीज है, दैट इज आपका क्या, हाइपर मेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, क्लोज विजन जो है वो ब्लरी हो जाता है और जो फार है वो ठीक रहता है, ठीक है। और इसको हम लोग फिक्स कैसे करते हैं, इसको हम लोग फिक्स करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की मदद से, राइट ओके। अभी देखते हैं जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 पे, चिकन पॉक्स कॉजेस फॉर, अच्छा चिकन पॉक्स जो है वो किसके लिए होता है, आपका ऑप्शन है वेस्ट नाइल, वर्सेला, हर्पेस सिंप्लेक्स और राइनो वायरस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये होगा आपका वेरिसेला, ठीक है। अच्छा इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है VZV, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेरिसेला जेस्टा वायरस, ठीक है। और एक चीज इसके साथ, एंड द वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, ठीक है ओके okay. ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, रिमोट सेंसिंग ल्यूनर सैटेलाइट विच वाज लॉन्च्ड इन, अच्छा अभी देखते हैं ये क्या बोल रहा है। आपका ऑप्शंस है 2007, 2008, 2009, 2010, ठीक है। तो ये आप जरा सा पास में कर लीजिएगा, ये है बाय इंडिया, ठीक है। सेंसिंग ल्यूनर सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय इंडिया, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा 2008, ठीक है। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, कहां से किया गया था, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, श्री हरिकोटा से, ठीक है ओके। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बाय इसरो, ठीक है। अच्छा और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फो भी देख लेते हैं, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु। और इनके जो अभी चेयरमैन है वो कौन है, के शिवम, ठीक है। अच्छा अभी इस जो रिमोट सेंसिंग लूनर सैटेलाइट है इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देखें तो ये लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर को, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर को और पहुंचा था 8 नवंबर 2008 को, ठीक है। तो ये पहुंचा था 8 नवंबर 2008 को, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड The connection was lost ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि रेलवे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर। तो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर का बारे में पूछा जा रहा है,
यहाँ पे कौन सा हो सकता है? आपका जो ऑप्शन है वो है यूथ सेट, इंटेल सेट, ओशन सेट एंड एस्ट्रो सेट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा दैट इज आपका इंटेल सेट, ठीक है। तो यूथ सेट क्या है? यूथ सेट है ये इंडिया और रशिया का जॉइंट सैटेलाइट है विच वॉज लॉन्च फॉर एडुकेशनल पर्पस, ठीक है। उसके बाद है ओशन सेट, तो ये आपका ओशन का जो स्टडी के लिए, डीप ओशन स्टडी के लिए ये आपका लॉन्च किया गया था। और एस्ट्रो सेट जो है ये आपका लॉन्च किया गया था फॉर एस्ट्रोनॉमी पर्पस, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ये दोनों ही इंडिया के द्वारा छोड़े गए थे, ठीक है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब इंडिया के द्वारा छोड़े गए थे। और जो ये आपका यूथ सेट है ये आपका इंडिया और रशिया ये दोनों का जॉइंट वेंचर था, ठीक है। अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? रुपीज वन एंड रुपीज टू कॉइन्स आर मेड ऑफ, ऑप्शन क्या बोल रहा है? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, सिल्वर एंड स्टील, कॉपर एंड निकल एलॉय, स्टील एंड ब्रास। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा, आपका आंसर बनेगा यहाँ पे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। तो अभी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के जो एक्स्ट्रा इन्फोज है थोड़ा वो देख लेते हैं। तो ये जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है ये किससे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेनली है आपका निकेल, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, स्मॉल अमाउंट, और आपका क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। तो यहां पे ये और निकेल, निकेल और क्रोमियम जो है इसका मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज अगर पूछा जाए कि एक रुपए के नोट में, रुपीस वन नोट, इनमें सिग्नेचर किसका रहता है? एक बार पूछा जा चुका है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं। तो यहां पे आपका आंसर बनेगा फाइनेंस सेक्रेटरी का, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। क्या कह रहा है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेजर्स बिटवीन 5.4 टू 8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो टेम्परेचर है तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल कौन सा होता है। देखिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये होता है आपका नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, तब फीवर कब होता है? फीवर की पोजीशन कब होती है, क्योंकि फीवर में भी टेम्परेचर बढ़ता है। फीवर तब होता है जब आपका जो टेम्परेचर है वो आपका 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इस अवस्था को हम लोग कहेंगे फीवर, ठीक है। अच्छा, और हाइपोथर्मिया किसको कहेंगे? हाइपोथर्मिया कहेंगे हम लोग जिसमें जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इस टेम्परेचर से अगर इस टेम्परेचर से घट जाए तो इसे हम लोग कहेंगे हाइपोथर्मिया, ठीक है। इसका मतलब क्या? हाइपोथर्मिया है, ठीक है। और एक टर्म होता है इससे रिलेटेड, दैट इज आपका हाइपरथर्मिया, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया में कंफ्यूज नहीं होइएगा। कब होता है? जब इसका टेम्परेचर, कब होता है? जब इसका टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, जब
टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है तब उस सिचुएशन को कहते हैं हम लोग हाइपोथर्मिया, ठीक है। और कभी कभी जो सेंटीग्रेड स्केल में इसका जो सिचुएशन है वो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड को भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ऑफस्प्रिंग ऑफ कॉडलिंग क्रोकोडाइल्स आर कॉल्ड, मतलब जो मगरमच्छ के बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल सा आंसर है, वो है हैचलिंग। और इसको याद रखना पड़ेगा, जो क्रोकोडाइल्स हैं वो रेप्टाइल्स फैमिली से आते हैं, हैविंग थ्री चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा हम लोग जो बाकी ऑप्शंस है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि कॉडलिंग, ठीक है, कॉडलिंग किसको कहते हैं, कॉडलिंग जो कॉडफिश के बच्चे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉडलिंग, ठीक है, कॉडफिश। गॉसलिंग, गॉसलिंग हम लोग किसको कहते हैं, जो गूस के बच्चे होते हैं उन्हें। और जो फिनलिंग है उन्हें वो हम लोग कहते हैं फिश के बच्चों को, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी। बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर रेनबो इज क्रिएटेड, ठीक है। तो यहां पे देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोथ, मतलब एक साथ बोथ, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका डिफ्यूजन। तो रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, जब किसी सरफेस पे लाइट आके जिस एंगल में आती है उस एंगल में अगर वापस लौट जाती है तो दैट इज आपका रिफ्लेक्शन। अगर लाइट अगर एक लोअर डेंस मीडियम से आकर अगर आपका जो ज़्यादा मतलब मोर डेंस मीडियम में आके घुसती है तो लाइट को तो ऐसे निकलना चाहिए ना, पर अगर हम लोग देखे उसको तो लाइट लगता है कि वो थोड़ा सी बेंड हो गई है, तो ये बेंडिंग को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर हीट एब्जॉर्ब इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड प्रिंसिपल इज यूज्ड इन, तो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, तो हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, वो चीज़ ठंडा हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए कौन सा प्रिंसिपल, मतलब जो जो प्रिंसिपल है ये वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये प्रिंसिपल आपका यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर से एक गैस निकलता है जो कि है CFC, दैट इज क्लोरो फ्लोरो, दैट इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। अच्छा, एंड विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो होपफुली यहां तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है Which of the given pair is odd? ठीक है, Mercury is too liquid, Gunpowder solid, Helium gas, Camphor जो कि कपूर gas, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में, देखिए Mercury ये आपका एक मेटल है, ये आपका मेटल है और ये आपका लिक्विड फॉर्म में या फिर लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो ये तो ठीक है। Gunpowder, ठीक है, ये आपका सॉलिड स्टेट में मिलता है, ये भी करेक्ट है। हीलियम जो कि एक गैस है और नोबल गैस है, तो ये भी आपका ठीक है। अभी कैम्फोर, कैम्फोर जो है ये आपको ज़्यादातर आप सुनेंगे बहुत जगह में कि कपूर उड़ जाएगा, लेकिन वो जब रहता है तो उसका जो नेचुरल स्टेट रहता है वो रहता है आपका सॉलिड और वैक्सी, ठीक है। तो हम लोग वैक्सी को कंसिडर नहीं करते, हम लोग सॉलिड को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा यानी कि द ऑड वन विल बी कैम्फोर विच इज सॉलिड इन स्टेट, राइट।
अच्छा अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखिए डिजीज डायलिसिस इज यूज्ड इन व्हिच डिजीज, तो डायलिसिस का बारे में बात कर रहा है। तो आप लोग ज्यादातर सुने होंगे किडनी डायलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली किडनी मतलब क्या, रेनल फेलियर, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अभी देखिए जो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फो में चलते हैं, फर्स्ट आपका जो स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी बहुत बार बता चुका हूँ, ऑप्शन बी में है आपका एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है, इट्स अ कॉमन डिजीज फॉर ब्लडी आईज, इट इज अ कॉमन डिजीज फॉर ब्लडी आईज, ठीक है। अभी देखते हैं रेनल फेलियर मींस किडनी, और इसका जो स्टडी या फिर डिसिप्लिन होता है इसको हम लोग कहते हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। अच्छा तो अभी हम लोग होपफुली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोल रहा है न्यू स्टार एक्सरे टेलीस्कोप रिलेटेड टू स्पेस इज यूज्ड टू ऑब्जर्व, अभी देखिए यहाँ पे एक टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहा है, ये न्यू स्टार एक्सरे टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये किस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए बना है, तो आपका ऑप्शन है कॉमेट्स, ब्लैक होल्स, प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा आपका ब्लैक होल्स, ठीक है। तो अभी चलिए देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो न्यू स्टार एक्सरे टेलीस्कोप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय रेंटगेन, ठीक है, पहला तो एक इंफॉर्मेशन ये निकल गया। दूसरा क्या निकल गया, अच्छा ये इसका पूरा नाम चाहिए, इसका पूरा नाम क्या होगा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप, ठीक है, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अच्छा एरे, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अच्छा और एक चीज, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी जान लेते हैं, लॉन्च्ड बाय नासा, लॉन्च्ड बाय नासा इन 2012। अभी नासा का, आई होप नासा का जो फुल फॉर्म है वो बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पर, क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फाइन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हो ही नहीं सकता, इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अभी ये दोनों में डाउट आ गया, वाटर इज अ नोबल एलिमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पे डाउट हो गया। अभी देखिए मिक्सचर मतलब क्या, मिक्सचर मतलब आप किसी में भी कुछ भी मिक्स कर देंगे तो वो आपका एक मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन अगर आप किसी सब्सटेंस को उसके एटमिक नंबर नंबर पे या फिर एटमिक मास के परफेक्ट रेशियो में मिक्स करते हैं तो वो एक कंपाउंड बनता है, दैट मीन्स जो H2O है यानी कि जो वाटर है ये आपका एक कंपाउंड है, किसका, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, देयरफॉर योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर, क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑड वन, देखिए फाइंड द ऑड वन, तो स्पीड स्पीड टाइम मास एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली देखिए एक दो तीन जो ऑप्शन ए बी डी ऑल आर
मोशन रिलेटेड है ना, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन स्पीड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये हो गया आपका मास, ठीक है, मास। और इसको हम लोग किस यूनिट में मापते हैं, इसको हम लोग मापते हैं केजी में, मेजर करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, देखिए, कडन कुलम एटमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। अच्छा अभी देखिए, जो यहाँ पे आपको जैसे वायरस, बैक्टीरिया, डिजीजेस, जो उनका स्टडी का जो डिसिप्लिन है वो, तो उसके बाद जो जनरल जो हम लोग का डे टू डे यूसेज का जो सब्सटेंसेस है उनका जो फॉर्मेशन है सभी हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। तो उसके साथ साथ अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में भी हम लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कुडनकुलम एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन, तो कुडनकुलम कहाँ पे लोकेटेड है, ये आंसर होगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। इसको छोड़ के और तीन है, क्या क्या है देखते हैं, आइए, एक है आपका काइगा, दूसरा है आपका काकरापाड़, और तीसरा है आपका रावत भाटा, ठीक है। तो ये और तीन जो एटॉमिक पावर प्लांट्स है वो है। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे है, तो पहला काइगा जो है ये है आपका कर्नाटका में, काकरापाड़ ये है आपका गुजरात में, और जो तीसरा रावत भाटा है ये है आपका राजस्थान में, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी थ्रोट इज नोन एज रेजोनेटर कॉर्ड, वाइब्रेटर कॉर्ड, वॉइस बॉक्स और थायरोरेटोनाइड। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो है आपका ऑब्वियसली वॉइस बॉक्स, ये कुछ भी नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देख लेते हैं, साउंड is produced from vocal cords, और vocal cords किसे कहते हैं हम लोग, हमारे गले में जो रहता है larynx को, ठीक है, गले में दो पार्ट रहता है pharynx and larynx, तो larynx को हम लोग vocal cord कहते हैं, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज, देखिए द स्टडी ऑफ अर्थ, तो यहां पे आपका ऑप्शंस क्या क्या है, इकोलॉजी, बायोलॉजी, एथोलॉजी, जियोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी, तो बाकी का जो तीन ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका डिटेल्स थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एथोलॉजी ये क्या है, ये है आपका इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था ऑप्शन से रिलेटेड। तो आइए अब लोग हम अभी हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज अमंग द एलिमेंट्स रिटेन बिलो, ओके। तो क्या क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, बोरन, आर्सेनिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज तो पूरा क्लियर है कि सब दीज आर ऑल गैस, ये तो हो नहीं सकता। These all are metal, नहीं, arsenic metal नहीं होता। There is no similarity among them, कुछ तो होगा, देख लेते हैं और एक बार।
दीज ऑल आर नॉन मेटल्स. हाँ ये ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर बन जाएगा ये. देखिए आप जब पीरियडिक टेबल को करेंगे ना, तो आपको पीरियडिक टेबल में कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा. ठीक है. अच्छा अभी देखिए जो इस साइड में है ना, यहाँ पे सब मेटल्स रहते हैं, सॉरी यहाँ पे सब आपके नॉन मेटल्स रहते हैं, और यहाँ पे आपके रहते हैं सब मेटल्स. आप देखेंगे यहाँ से एक जिगजैग सी लाइन यहाँ पे जाती है. ठीक है, इस जिगजैग सी लाइन में रहते हैं सब मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स का मतलब मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर. अभी हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्या कह रहा है, एक्सोबायोलॉजी इज रिलेटेड टू. आंसर देख लेते हैं एक बार. ऑप्शंस, लाइफ इन स्पेस, लाइफ ऑफ एनिमल्स, लाइफ ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन लाइफ इन अर्थ. तो देखिए एक्सो का मतलब क्या है, बाहरी, और तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ इन स्पेस. ठीक है, यानी लाइफ इन, यहां पे एक आउटर होता तो ज्यादा बेटर होता, लाइफ इन आउटर स्पेस. ठीक है, तो लाइफ्स ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स का जो स्टडी है उसे हम लोग जानते हैं, उसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं. लाइफ्स ऑफ प्लांट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बोटैनी. और कुछ देर पहले मैंने बताया कि फादर ऑफ बोटैनी किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस. ठीक है, ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. If sun is to star, then moon. तो moon क्या होगा? Obviously satellite होगा, right? ठीक है. तो अभी देखिए जो star है ना, यहाँ पे कुछ extra information देख लेते हैं. Nearest क्या होगा? Proxima Centauri. प्रॉक्सिमा सेंचुरी. अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, और जो हमारे जो आसपास, हमारे जो आसपास एक्चुअली तीन दिखाई देते हैं, एक है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी और दो है आपका अल्फा सेंचुरी ए एंड अल्फा सेंचुरी बी. ठीक है. अच्छा प्लैनेट, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, एक तो आपका हो गया स्मॉलेस्ट, दैट इज आपका मर्क्यूरी, लार्जेस्ट आपका जुपिटर है, वो लिखने का जरूरत नहीं है. जुपिटर का जो सबसे बड़ा मून है उसे हम, उसका नाम है गैनीमेड, मैंने ये भी आपको पिछले दिन करा दिया था, तो यहाँ से शायद और बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है, अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं. द स्पीड ऑफ रोटेटरी शाफ्ट इज मेजर्ड बाय. देखिए यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला है रोटेटरी शाफ्ट. ठीक है, तो ये आपका यूज होगा टेकोमीटर. ठीक है, ये बनेगा आपका आंसर. तो अभी स्पीडोमीटर से क्या मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से हम लोग किसी भी चीज का स्पीड या फिर वेलोसिटी मेजर करते हैं. ठीक है, एनिमोमीटर ये आपका एयर का वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज होता है. अच्छा क्रोनोमीटर ये एक्चुअली आपका यूज होता है, यूज्ड इन शिप्स. ओके ओके, अभी देखिए नंबर 81 क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन आर नॉट रिलेटेड. उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग इज द रीजन बिहाइंड द डिक्रीजिंग ऑफ आइस इन द नॉर्थ पोल. ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज द डिक्रीज ऑफ सी लेवल. बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग डिजर्ट आर श्रिंकिंग. तो ये तो एकदम बकवास ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता. अच्छा उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन आर नॉट रिलेटेड, ये भी नहीं हो सकता. ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज द डिक्रीज ऑफ सी लेवल,
नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि आइस पिघल रहा है ना, तो सी लेवल नहीं डिक्रीज होगा, बढ़ेगा. देयरफॉर द आंसर वुड बी दिस वन. ओके ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन. गैलन. गैलन इज यूज टू मेजर. ठीक है, तो गैलन इज यूज टू मेजर. अभी किस काम के लिए इसको यूज किया जाता है? वेलोसिटी, अ कंटेनर, टू मेजर द वॉल्यूम, टू मेजर द एरिया ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द कंटेनर. तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. कंटेनर को कैसे मेजर करेंगे, ये भी नहीं होगा. सो द आंसर इज टू मेजर द वॉल्यूम. तो अभी देखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गैलन का वैल्यू, तो एक गैलन का जो वैल्यू है ये आपको जानना चाहिए. दैट इज आपका 1 गैलन इज इक्वल टू 4.55 लीटर. ठीक है. अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द मोस्ट एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज. देखिए, तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या लिखते हैं हम लोग? सी ए ओ सी एल टू, राइट. तो ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर. तो इसका सबसे ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट क्या है? तो इसका सबसे ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है. अच्छा, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. When a person can see only nearby object, this situation is known as. मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, तो क्या? मायोपिया. मैंने कुछ देर पहले बताया. और इसको कैसे फिक्स करते हैं हम लोग? इसको हम लोग फिक्स करते हैं बाई यूजिंग कॉनकेव लेंस. ठीक है. और ये कौन सा? ये जिसमें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता. तो यह है आपका हाइपरमेट्रोपिया. और इसे हम लोग फिक्स करते हैं कैसे? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. अच्छा, तो आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी. अच्छा, देखिए, अभी एसी और डीसी, मतलब एसी इज व्हाट? एसी का मतलब होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब होता है क्या? आपका डिस्चार्ज करंट. तो एसी को अगर कन्वर्ट करना है डीसी में, तो आपको चाहिए होगा रेक्टिफायर. लेकिन अगर आपको डीसी से एसी में जाना है, तो फिर आपको चाहिए होगा इन्वर्टर. ठीक है, तो चाहिए होगा इन्वर्टर. और रेक्टिफायर किसके बेसिस पे काम करता है? रेक्टिफायर काम करता है आपके डायोड्स के ऊपर. ठीक है. तो जैसे जैसे, फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग बैच को ज्वाइन करते हैं या फिर जो कोर्सेस हैं उसको परचेस करते हैं, तो उसमें जो ऑनलाइन सेशंस होगा, तो उसमें हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे. ठीक है. तो क्योंकि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक सीरीज चल रहा है हम लोगों का यूट्यूब में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को लेके बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. फाइंड द ऑड वन. ठीक है. तो सबसे पहला, दिस इज सॉल्ट. ठीक है, सोडियम क्लोराइड, दिस इज सॉल्ट. उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वो कौन सा है? उसके बाद है आपका जो सोडियम कार्बोनेट है. ठीक है. तो ये क्या है? ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड विच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड विच इज ऑल्सो अ सॉल्ट. ठीक है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अभी क्या बोल रहा है? वाटर, एक वाटर है. ये भी तो आपके जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उसके साथ रिएक्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है हीलियम, दैट इज नोबल गैस. ठीक है. तो ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, क्योंकि ये नोबल है और यही सबसे ऑड वन है. ठीक है. तो होपफुली आप लोगों को ये जो क्वेश्चन का सेट है ये अच्छा लगा होगा. ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस बहुत मेहनत से एक जगह में किया है. तो अगर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन का सेट चल रहा है या फिर कोर्सेस अच्छे लगते हैं, तो फिर आप लोग ब्रांच में फ़ोन करके जो परचेस्ड बैचेस हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस हैं उसके बारे में भी आप लोग पता लगा सकते हैं. ठीक है. सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन और कुछ क्वेश्चंस के साथ. ओके, सो थैंक यू.